सबसे पहले तो आज की प्रेस वार्ता में पधारे हुए सभी मीडिया बिंदुओं का मैं स्वागत करता हूँ। आज विवेकानंद जयंती भी है, स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं। आप सभी मीडिया के बिंदुओं के माध्यम से मैं सभी लोगों को युवा दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे भिंडमाल नगर में स्थित जी के गोवाड़ी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आए दिन भ्रष्टाचार हो रहे हैं, छात्रों के साथ दुष्व्यवहार हो रहा है, वित्तीय अनियमितता हो रही है, उसको लेकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 8 जनवरी 2024 से लेकर 13 जनवरी 2024 तक खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। खेल सप्ताह का आयोजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित था। जैसा कि हम सभी को पता है कि जालौर जिले में भूखंड के हिसाब से बात करें तो राजकीय महाविद्यालय भिंडमाल के पास में सबसे अधिकांश जमीन है, लेकिन यहाँ के प्राचार्य महोदय, यहाँ के नोडल अधिकारी, उन्होंने कभी इस कॉलेज के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। छात्रों से कॉलेज के द्वारा खेल के लेकर के फीस ली जाती है, विकास फंड के नाम पे फीस ली जाती है, लेकिन इस कॉलेज में आज भी अपन देखते हैं कि इस कॉलेज का डेवलपमेंट का स्तर है जो दिनों दिन गिर रहा है। आज दिन तक मैंने नहीं देखा कि इस कॉलेज का स्तर को ऊपर आया है। इस कॉलेज के प्रशासन, जिसमें मेन रूप से प्राचार्य और नोडल अधिकारी, प्राचार्य श्री सिप्रा रानी पोद्दार जी और नोडल अधिकारी कोमल कत्याल सर, इन दोनों के द्वारा आए दिन भ्रष्टाचारों को नए नए आयामों पर स्थापित किया जा रहा है। खेल सामग्री, अभी जो खेल सप्ताह चल रहा है उसमें जो खेल सामग्री खरीदी गई है, उसका जो फंडिंग हुई है, उसके लिए जो पैसे पास हुए, जिस हिसाब से पैसे पास हुए उस हिसाब से उस सामग्री का स्तर नहीं था। बैडमिंटन के मैच चल रहे थे तो पहले ही दिन वहां के रैकेट टूट चुके थे, उच्च बजट के अनुरूप नहीं पाया गया है, जिस बजट के हिसाब से इन्होंने पैसे को खर्च किया। दूसरी बात, वहां पे ना तो कोई पानी की व्यवस्था थी, ना ही कई अन्य प्रकार की खेल सामग्री के उपकरणों की उपलब्धता थी, ना ही खेलों की कोई नियमितता थी। इन्होंने उन खेल को शिवराज स्टेडियम में करवाया है, जबकि कॉलेज के पास में मैदान था, वे चाहते तो इसको कॉलेज के फंड से लेकर के डेवलपमेंट करवा के करवा सकते थे, लेकिन उनकी भ्रष्ट नीतियां थी, उसके कारण नहीं हुआ। हाल ही में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एनईपी 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसके उद्देश्य से लगे हुए हैं। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में आपसी सामंजस्य स्थापित करना है, लेकिन इस महाविद्यालय के प्राचार्य और नोडल अधिकारी जी द्वारा इनको छात्रों को विभिन्न संकायों के नाम पे बांटा जा रहा है, विभिन्न जातियों के नाम पे बांटा जा रहा है, विभिन्न धर्मों के नाम पे बांटा जा रहा है। जैसा कि आपको ध्यान है, कॉलेज में कई प्रकार की सामग्रियों का खरीदी की जाती है, जिसमें एक व्यापक भ्रष्टाचार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये किसी चीज को रिपेयरिंग करवाते हैं, उसके फर्जी भी अधिक रूप में जितना होना चाहिए उसे कई गुना ज्यादा पैसों में पे कर रहे हैं, बाजार मूल्य से 10-10, 15-15 गुना अधिक मूल्य देकर के उनसे खरीदी कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अभी वर्तमान में कॉलेज के अंदर आप देखोगे तो एक साइंस कैंपस है, वहां पे एक लोहे का गेट है, उस गेट को इन्होंने रिपेयरिंग करवाया। उस गेट पे केवल मात्र 24 पट्टियां उन्होंने लगाई, जिसका खर्च अगर मैंने जहां तक मेरी समझ से मापा है और बाहर बाजार में पूछा तो उन्होंने 4,000 से 5,000 रुपए बताया है। लेकिन जहां तक हमें पता है और हमारे पास में जानकारी है, जो पुख्ता जानकारी और सबूत है, उसके हिसाब से उन्होंने इसका फंडिंग 15,000 से 20,000 के मध्य में करी। अभी इन्होंने कॉलेज के अंदर एक आरओ वाटर शेक करवाया। आरओ वाटर के अंदर मोस्ट ऑफ अपने को भी पता है 18,000 से 20,000 के अंदर आरओ मिल जाता है। उन्होंने पानी ठंडा नहीं हो रहा था तो उसके लिए सही करवाया, तो उसका अधिकांश मूल्य जो मैंने पता किया है बाजार में भिंडमाल में पूछा है तो 4,000 से 5,000 रुपये आए, लेकिन उन्होंने उसके नाम पे 20,000 से 25,000 रुपये की फंडिंग करी। आखिर ये भ्रष्टाचार क्यों? कॉलेज हमारी है, हमारे भिंडमाल वासियों की है, इसलिए दुख होता है। सरकारी नियमों अनुसार टेंडर प्रक्रिया होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसका एक नियम होता है कि यहाँ की जो क्रय समिति होती है वो पहले एक प्रस्ताव रखती है, उस पे सारे उसके सदस्य साइन करते हैं, फिर उसको आगे टेंडर के लिए एक मीडिया के माध्यम से जानकारी ली जाती है और टेंडर मांगे जाते हैं। लेकिन
नोडल अधिकारी जी और प्राचार्य महोदय ये दोनों मिलके ना तो किसी को कुछ पूछ रहे हैं ना किसी से कुछ पता कर रहे हैं। ये सीधा दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं वैसे तो दोनों मिलके खुद ही साइन कर देते हैं, अपने चहितों को टेंडर दे देते हैं, ना इसमें कोई क्रय समिति को पूछा जाता है ना कॉलेज के अन्य किसी लेक्चरर को या समिति के सदस्यों को पूछा जाता है। ये दोनों मिलकर के एक उच्च स्तर का भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसके विरोध में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। हाल ही में कॉलेज के परिसर में सोलर रोड लाइटें लगवाई है, कंप्यूटर मंगवाया है, प्रिंटर लाया है, सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं आदि कार्यों के अंदर इन्होंने पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार करा है। टेंडर प्रक्रिया अपने मन से करवाई है। भीनमाल जो कि अपन को पता ही है भामाशाहों की नगरी है, यहाँ पे बड़े बड़े लेवल के बिजनेसमैन है, लेकिन इनको ये हमारी दुर्भाग्य है या हमारी विविधता है ये समझ में नहीं आता है कि इनको आज दिन तक कोई जीएसटी नंबर वाला बिल जाने वाला नहीं मिलता है। ये गवर्नमेंट लेते हैं बिल पास करवाते हैं, क्यों भाई भीनमाल में भी तो है जीएसटी नंबर वाले, लेकिन इनको वो लोग नहीं मिलते। इनके चेहरा जयपुर का एक कोई ठेकेदार है उसको बुला लेते हैं और बाजार मूल्यों से 10 गुना अधिक राशि ये पे करते हैं और वहां से खरीदी करते हैं। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने सामग्री खरीदी है सिग्नेचर स्पोर्ट्स सिरोही से, जहां से एकदम निम्न और घटिया स्तर की सामग्री इन्होंने खरीदी है, जो कि अभी एक रैकेट की बात करता हूँ कि अगर खेल सप्ताह चल रहा है उसमें बैडमिंटन प्लेयर के लिए रैकेट लाया, वो रैकेट एक मैच नहीं चला और टूट गया, जबकि उस रैकेट की जो धनराशि पे की गई है उसके हिसाब से अगर अपन खिलाड़ियों को पूछे तो वो बोलते हैं कि अगर इतनी राशि से हम रैकेट लेके आते हैं तो हमारा रैकेट 1.5 से 2 साल चलता है। आखिर इसके पीछे क्या है? भीनमाल में भी दुकानें थी वगैरह थी, इन्होंने ना तो कोई टेंडर जारी किए, अपने चहितों से सामग्रियां खरीदी है और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया है। संस्था प्रधान का व्यवहार छात्रों और कर्मचारियों के साथ तो खराब है ही, लेकिन आपको भीनमाल वासियों को भी पता है कि अगर कोई अभिभावक भी वहां पे कॉलेज परिसर में जाता है तो उनके अंदर वो ह्यूमन सेंस नहीं है जो बात करने के एक प्राचार्य के अंदर होने चाहिए। जो सादर भाव जो हमारा है कि हम सनातन जाति से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अतिथि देवो भव हमारी जो प्रक्रिया है या हमारा जो स्वागत करने की आदत है, लेकिन उनके अंदर वो नहीं है। वो उनको भी तू तड़ाक से ही बात करते हैं, उन्हें भी वही निचले स्तर की इम्पोर्टेंस देते हैं जो बहुत ही सरासर गलत है। इसको लेकर के फिर छात्र मानसिक प्रताड़ित भी होते हैं और आज कॉलेज का ये दुर्भाग्य है कि एमए के फॉरम यहाँ पे नहीं आ रहे। भामाशाह परिवार है वो आज भी यहाँ पे जितना चाहे उतना पैसा डालने को तैयार है। बीच में उन्होंने कई प्रस्ताव रखे थे, ऑडिटोरियम हॉल बनाऊंगा वो बनाऊंगा, लेकिन प्राचार्य महोदय ऐसा नहीं चाहते हैं, वे नोडल अधिकारी जी ऐसा नहीं चाहते। उनका सिर्फ एक ही मानना है कि मैं भ्रष्टाचार करूं और मेरा घर बनाऊं। संस्था प्रधान एवं उनके पति, जैसा कि पूरे भीनमाल वासियों को और लगभग तो पूरे जालौर जिले को ही पता है कि भीनमाल कॉलेज के अंदर पर जो संस्था प्रधान सिप्रा रानी पौधा है प्राचार्य और नोडल अधिकारी कोमल कत्याल जी लगभग 27 वर्षों से भीनमाल के अंदर है। क्यों? उनका भी तो ट्रांसफर आता है, लेकिन किसी की शरणार्थ में जाकर के किसी के पैर पकड़ के वो अपना ट्रांसफर रुकवा देते हैं और उनको पता है कि कमाई का जरिया तो यही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों से मिलजुल गए, फर्जी बिले ले आ जाते हैं और एक हाई लेवल का भ्रष्टाचार कर रहे हैं जो कि कतई गलत है।